जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन पर ऑपरेशन हाईवे क्लीन के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हाईवे पर टैंकरों की सील तोड़कर तेल चोर करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। फागी थाना इलाके के हरसुलिया के पास की ये पूरी कार्रवाई है। 20,000 लीटर इंडियन ऑयल तेल से भरा टैंकर व 2 ड्रम यहाँ पर जब्त किए गए। स्पेशल टीम ने गिरोह के 4 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी राम सिंह जाट, गणेश बुनकर, अनिल कुमार सिंधी व शहाबुद्दीन को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। बीस हजार लीटर इंडियन ऑयल तेल से भरा यहां पर जब्त किया गया। स्पेशल टीम ने गिरोह के 4 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार यहां पर किया है। आरोपी राम सिंह जाट सहित कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देश पर ऑपरेशन हाईवे क्लीन के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। हाईवे पर टैंकरों की सील तोड़कर तेल चोरी करने वाले गिरोह का यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। यादवेंद्र, बताएं क्या कुछ है पूरी कार्रवाई? देखिए लवीना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो ग्रामीण एसपी है शंकर दत्त शर्मा, उनका जो एक ऑपरेशन चल रहा है हाईवे पर, लगातार जो अवैध गतिविधियां है उसकी के तहत यहां पर जो उनकी स्पेशल टीम के जो प्रभारी है हेमराज मीणा, उनके नेतृत्व में यहां पर शंकर दत्त शर्मा के नेतृत्व में यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इंडियन ऑयल तेल से भरा एक टैंकर को जब्त किया है। खास बात यह है कि जो हरसोलिया के अंदर ये पूरी कार्रवाई हुई है, जहां पर जो इंडियन ऑयल का जो डिपो है वहां से जब ये टैंकर निकलते हैं तो बीच रास्ते में जो ढाबे जो बने होते हैं उनकी आड़ में जो बदमाश है यहाँ से इन टैंकरों से सील तोड़ करके और उसकी नकली चाबी बना करके सील तोड़ करके ये टैंकरों से तेल चोरी करते हैं। इस पूरे मामले की जब यहाँ पर ग्रामीण एसपी को जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी स्पेशल टीम को भेजा और यहाँ पर रंगे हाथों का कार्रवाई करते हुए यहाँ पर उन्होंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी राम सिंह जाट, गणेश बुनकर, अनिल कुमार सिंधी और शहाबुद्दीन है। खास बात यह कि पुलिस ने जो अवैध गतिविधियों से कमाई हुई जो पूंजी है, जो रुपए है, वो करीब बरामद किया है इनसे। वो पूंजी की जो रकम है वो करीब है 31,500 जो रुपए है, वो मौके से इनसे आरोपी से बरामद किया है, जो की ये खरीद फरोख्त करते थे इन टैंकरों की। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर फागी थाना इलाके के अंदर जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा को हाथ लगी है। साथ में काबिले तारीफ यहाँ पर कहा जाएगा आप हेमराज मीणा है जो लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां करके और जो इस पूरे गिरोह को यहाँ पर दबोच रहे हैं। टैंकर चोरी करने का ये पहला मामला नहीं है लवीना, यहाँ पर पहले भी कई बार जो ग्रामीण एसपी की जो टीम है स्पेशल टीम, उन्होंने हाईवे पर लगातार कार्रवाई करते हुए ऐसे दर्जनों कार्रवाइयां की है और कई लोगों को यहाँ पर दबोचा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई, लेकिन बड़ी जांच ये है इसमें कि हरसोलिया के पास जो ये डिपो बनाया है ऑयल डिपो के, यहाँ से कैसे मिलीभगत करके ये टैंकरों से चोरी करते हैं, क्या इनकी जानकारी यहाँ पर ऑयल डिपो वालों को नहीं मिल पाती है, ये अपने आप में एक जांच का सवाल है। बिल्कुल जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, ऑपरेशन हाईवे क्लीन के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है। 20,000 लीटर इंडियन ऑयल तेल से भरा टैंकर यहां पर जब्त किया गया है। आपको बताते चले, स्पेशल टीम ने गिरोह के 4 सदस्यों को रंगे हाथों यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में राम सिंह जाट, गणेश बुनकर शामिल हैं और साथ ही अनिल कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देश पर ऑपरेशन हाईवे क्लीन के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।